कितने एमएम का कवर ब्लॉक कहां कहां पर लगाना चाहिए, तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, अगर हम फुटिंग की बात करेंगे, हम फुटिंग में कितने एमएम का कवर ब्लॉक लगाना चाहिए, तो आपको 50 एमएम से लेकर 75 एमएम का कवर ब्लॉक लगता है। आप याद कर लीजिए, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कॉलम में, बीम में, स्लैब में कितने एमएम का कवर लगाना चाहिए, कितने एमएम का लगता है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे राफ्ट का, राफ्ट फाउंडेशन टॉप 50 एमएम यानी कि 50 एमएम का आपका कवर ब्लॉक लगता है। राफ्ट फाउंडेशन बॉटम की बात करेंगे हम फ्रेंड, यानी कि 75 एमएम यानी कि 75 एमएम का कवर ब्लॉक लगता है। अगर हम कॉलम की बात करेंगे, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कॉलम में कितने एमएम का कवर ब्लॉक लगता है, आपको 40 एमएम का कवर ब्लॉक लगता है यानी कि 40 एमएम का कवर ब्लॉक लगता है। ठीक है, बीम की बात करेंगे हम, बीम में कवर ब्लॉक कितने एमएम का लगता है यानी कि 25 एमएम का कवर ब्लॉक लगता है। स्लैब में कितने एमएम का कवर ब्लॉक लगाना चाहिए आपको, यानी कि 15 एमएम से लेकर 20 एमएम 25 एमएम तक आपको कवर ब्लॉक लगा सकते हैं यानी कि लगता है। अगर हम स्टेयर केस की बात करेंगे हम, यानी कि सीढ़ी में कितने एमएम का कवर ब्लॉक लगता है, कितने एमएम का लगाना चाहिए, तो आपको 15 एमएम से लेकर 20 एमएम तक आपको कवर ब्लॉक लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम शेयर वाल की बात करेंगे हम, शेयर वाल में कितने एमएम का कवर ब्लॉक लगता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है शेयर वाल में आपको कितने एमएम का कवर ब्लॉक लगाना चाहिए, तो यानी कि 25 एमएम का कवर ब्लॉक लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।